जय माता दी। साथियों, गुड मॉर्निंग आप सभी को, मेरे इस फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़े हुए सभी भक्त मित्रों को और मेरे चाहने वालों को प्रेम भरी जय माता दी। साथियों, एक बार फिर से नई और ताज़ा वीडियो लेकर मैं उपस्थित हूं और आप लोग देख रहे हैं ये त्रिकुटा पर्वत का सुबह सुबह का नज़ारा। मैं हूं साथियों सोमराज शर्मा, जिला रियासी व केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर से, और एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का, सभी चाहने वालों का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो साथियों ज़रूर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में माँ के प्रेमी, माँ के भक्त जो हैं, छोटी मोटी जानकारियों से रूबरू रहें अपने घर बैठे ही। तो फिलहाल ये सुबह सुबह का नज़ारा और सामने जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये चरुण पादुका मंदिर का और ठीक सामने अर्धकुंवारी मंदिर के दृश्य। और मौसम के हवाले से बात करें तो रात से ही मौसम ने अपनी जो करवट है वो बदली है और सुबह हल्की बूंदाबांदी जो है लगातार जारी है नगर कटरा में। जम्मू डिवीज़न की बात करूं तो लगभग सभी जगहों पर जो है हल्की बूंदाबांदी ज़रूर देखने को मिली है। और वही खासकर पर्यटकों के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो इस समय लगातार माता वैष्णो देवी के दरबार में निरंतर यात्रा चल रही है, परिवार संग श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। लेकिन ठंड के इस प्रकोप में भी श्रद्धालुओं का रुकना नहीं, क्योंकि यात्रा का पूरा आनंद जो है वो ले रहे हैं। सुबह सुबह ही श्रद्धालुओं की संख्या जो है देखने को मिली यात्रा मार्ग पर। और इसके अलावा बात करें सुबह सुबह इस पूरे त्रिकुटा पर्वत पर जो धुंध थी, अंधी थी, उस समय नहीं थी सुबह सुबह, लेकिन अब जो है इस पूरे त्रिकुटा पर्वत पर धुंध जो है वो छा चुकी है, और जिसके चलते जो है हेलीकॉप्टर यानी चॉपर की सेवा स्थगित फिलहाल। और ये वो पुराना मार्ग है, सामने आप लोग देख सकते हैं ये चरुण पादुका वाला रास्ता, और यही पुराना मार्ग है अर्धकुंवारी। और इस समय अगर मैं बात करूं ये वाला जो रास्ता आप लोग देख रहे हैं, ये ताराकोट मार्ग यानी नया रास्ता, इसी रास्ते से लंगर की सुविधा भी जो है श्रद्धालुओं के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने रखी हुई है। और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे करके जो है जैसे जैसे बारिश कम हुई है, श्रद्धालुओं ने जो है अपने अपने होटलों से निकलकर यात्रा शुरू कर दी गई है, और कुछ लोग रेनकोट का प्रयोग करके भी यात्रा कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं। हालांकि इस ठंड के प्रकोप में भी यात्रा की कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, बैटरी कार के साथ साथ रोपवे की सुविधा भी श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये छोटी मोटी जानकारियाँ आगामी 2-3 दिन तक जो मौसम है, ऐसी जानकारियाँ जो मौसम विभाग से मिल रही हैं कि क्लाउडली और लिटिल रेन जो है जारी रहेगी पूरे जम्मू डिवीज़न में, और उसके बाद 22 से लेकर 24 तक फिर से जो है मौसम में ठंड की जो गिरावट है फिर को देखने को मिलेगी। वही जो लोग कश्मीर की वादियों में जा रहे हैं आगामी कुछ दिनों में, तो वहाँ भी इस समय जो है स्नोफॉल अलग अलग जगहों पर जो है ताज़ा स्नोफॉल देखने को मिली है, ऐसी खबरें जो हैं आई हैं। और आज भी जो है ताज़ा स्नोफॉल इस समय त्रिकुटा हिल्स पर हो रही है, और ये खूबसूरत मंजर नज़ारा सुबह सुबह का है। तो फिलहाल साथियों इन्हीं कुछ बातों के साथ, जानकारियों के साथ दीजिए आज के लिए अनुमति। लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल डेली यात्रा व्लॉग पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पर आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, जानकारियां भी वहां से संदेश के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों को सही जानकारियों के साथ सही रिप्लाई उत्तर देने का। तो चलिए, जय माता दी, जय मां वैष्णो देवी।